चाय एक इमोशन है और चाय के बिना हम सबका दिन नहीं शुरू होता है है ना आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाय की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसका नाम है जिंजर मिंटी यानी अदरक और पुदीने की चाय अब आप भी सोचेंगे पुदीना चाय में कैसा लगेगा है ना मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इसका नाम सुना था फिर जब मैंने वो चाय पिया तो एकदम मतलब क्या बताऊँ बहुत ही अमेजिंग चाय है एकदम फ्रेश कर देगा आपको तो हमारे घर में जब हम व्रत करते थे ना तो मम्मी तुलसी पत्ता डाल के चाय बनाती थी तो उसका भी एक अलग फ्लेवर रहता है तो अगर आपने वो चाय पिया है तो ये चाय आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा एकदम फ्रेश फ्लेवर वाला पुदीने की चाय वो भी एकदम सिंपल तरीके से तो आप एक बार मेरी इस चाय की रेसिपी को ज़रूर बनाएं तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि अदरक और पुदीने वाली चाय कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस ऑन करके एक पतीला रख दिया अब मैं बराबर मात्रा से आपको बताऊंगी कि अगर आप चार कप चाय बना रहे हैं या एकदम मेजरमेंट आपको चाहिए तो आपको कैसे बनाना है तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पानी पीने का ग्लास लिया है जो हम सबके घर में होता है कोई मेजरिंग कप नहीं इस्तेमाल कर रही करी आप इसमें ले लें जितना आपको चाय बनाना है तो यहाँ पे एक ग्लास पानी डाल देंगे हम और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे अब हम क्या करेंगे अदरक को कूट लेंगे तो यहाँ पे मैंने ये दो इंच से थोड़ा सा ज्यादा अदरक लिया है अगर आपको और ज्यादा अदरक वाली चाय चाहिए तो यहाँ पे आप तीन इंच या साढ़े तीन इंच अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत लोगों को ज्यादा एकदम कड़क चाय पसंद होती है तो उस केस में आप अदरक को ज्यादा डालें और अदरक को कूटने के बजाय उसे घिस के डालें तो उससे इसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आता है तो इसे हम क्रश कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने अदरक को कूट लिया है तो अदरक को हम डाल देंगे ऐसे खोलते हुए पानी में अब हम इसमें डाल देंगे चाय पत्ती तो यहाँ पे ये बड़े वाले चम्मच से चाय पत्ती डालेंगे एक दो तीन थोड़ा सा अगर कड़क पीते हैं तो साढ़े तीन कर दे फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी एक दो तीन चम्मच चार चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाला है अगर आप ज्यादा मीठा पीते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दे नहीं तो तीन चम्मच भी काफी है तो हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेश पुदीने के पत्ते तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है ये देखिए इतने चाय के लिए इतनी क्वांटिटी रखे पत्तों को आप ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसके बाद चाय में डाल दे अब हम इसे अच्छे से खोल देंगे ताकि पत्तों का जो फ्लेवर है वो चाय में आ जाए तो कम से कम आधे मिनट के लिए आप इसे खोलने दें अब हम इसमें डाल देंगे दूध तो जिससे मैंने पानी मेजर किया था उसी बर्तन से हम दूध मेजर करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था तो दूध जो है वो एक ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे तो यहाँ पे सवा ग्लास मैंने दूध डाला है अब हम गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और इसे अच्छे से उबल जाने देंगे अब आएगा एकदम टपरी वाले जैसे स्टाइल में बनाते हैं ना वैसे ही हम तेज फ्लेम पे ऐसे उबालेंगे तो यहाँ पे चाय में उबाला गया है आधे मिनट से थोड़ा सा कम और उबालेंगे चाय जितना ज्यादा अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आता है बस थोड़ी देर खौला लेंगे और उसके बाद छान लेंगे तो यहाँ पे चाय हमारी बनके तैयार है और ये देखिए, इतना बढ़िया रंगा है तो चाय में दूध और पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखें पानी जो है वो चाय पत्ती अदरक के साथ उबल के आधा हो जाता है उसके बाद हम उसमें दूध डालते हैं तो एक गिलास मैंने पानी डाला था जो उबल के कम हो गया था और उसके बाद मैंने सवा गिलास दूध डाला है तो ऐसा नहीं सोचे कि एक गिलास में सवा गिलास दूध डालेंगे एक गिलास पानी में तो वो पतला हो जाएगा ऐसा नहीं आप देखिए चाय की थिकनेस कितनी अच्छी है तो बस यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे फटाक से छान लेंगे तो यहाँ पर ना मैं क्या करती हूँ कि इसे लोटे में छान लेती हूँ ताकि सर्व करने में ईजी हो तो चाय हमारा रेडी है अब हम इसे सर्व कर लेंगे तो यहाँ पे एकदम ना टपरी वाले स्टाइल में हम चाय सर्व करेंगे मतलब इस ग्लास में चाय पीने में जो मजा आता है ना वो दूसरे में नहीं आता है तो यहाँ पे इस वाले ग्लास में जो है ये ग्लास छोटी है तो हमने इसे छह ग्लास में सर्व किया है अगर आप बड़े कप में सर्व करेंगे तो ये चार कप आराम से हो जाएगा तो बन गया ना हमारा सुपर और टेस्टी बहुत ही अमेजिंग मतलब खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं चाय की कितनी क्या कहते हैं क्रेजी हूँ तो यहाँ पे मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं ये चाय ट्राई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि सीरियसली ये अच्छा है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं अच्छा ही बोलूँगी अमेजिंग एकदम तो परफेक्ट मिठास जो मिंट का फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है तो अगर कभी आप टायर्ड फील करें या कड़क चाय की जरूरत है तो आप इस चाय की रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं तो मैं तो जा रही हूँ इसे पीने और बाकी घर वालों को पिलाने आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें